चलिए फिलहाल एक डीलिंग रूम से जुड़ते हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के, जहां पे हमारे आशीष जी इंतजार कर रहे हैं बहुत ही दिग्गज गेस्ट के साथ। आशीष जी, ओवर टू यू। निफ्टी 12,000 और सेंसेक्स 40,000, बताइए किस तरीके का माहौल है डीलिंग रूम्स में। शैल सर, आप सबको बहुत बहुत बधाई है, 12,000 और 40,000 का आंकड़ा, और मैं देख रहा था गजब की सेलिब्रेशंस हो रही थी स्टूडियो में, और वो प्रदीप का वो डांस मूव्स मैंने देखे थे बड़े इंटरेस्टिंग से, पर आप लोगों ने मिस आउट करा। यहाँ मोतीलाल ओसवाल की डीलिंग रूम में भी बहुत सेलिब्रेशंस हुए थे जब वो 12,000 और 40,000 का जादुई आंकड़ा छुआ था, तो बड़ा एक्साइटमेंट था यहाँ के स्पेस में। चंदन मेरे साथ बने हुए हैं, तो चंदन कह भी रहे थे 12,000 के बियॉन्ड फर्दर लेग्स होंगे, तो चंदन अब आप लोग अपने क्लाइंट्स को कैसे स्ट्रेटेजाइज करा रहे हैं, अब लाइफ बियॉन्ड 12,000, लाइफ बियॉन्ड 40,000 क्या है? जी आशीष, बहुत बहुत बधाई 12,000 और 40,000 के लिए। और देखिए, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट में मोमेंटम आया है और अब ऐसा लग रहा है कि बाजार को एक वापस नई दिशा मिलेगी, क्योंकि काफी दिनों से इस लेवल पे कंसोल्ट हो रहा था, बार बार नीचे में 11,100, 11,500। अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी मार्केट का बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, और अब कहीं ना कहीं 11,700 के सपोर्ट बनेंगे, ऊपर 12,200 तक के लेवल है वो अब नए आंकड़े बनते हुए नजर आएंगे, और वैसा ही माहौल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी ऊपर में अब नए लेवल 32,500 की तरफ जाने की राहत बनेगी, और स्पेशल आप देखोगे अभी काफी दूसरे नए स्टॉक्स उभर के नजर आ रहे हैं, जैसे कि L&T है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, और इन सब हेवीवेट्स में आप उभर के आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इस समय मैं जानना चाहूंगा मोतीलाल ओसवाल की टॉप बेट्स क्या है आज, अब स्क्रीन को देखकर आप लोग क्या खरीदवा रहे हो, क्या बिकवा रहे हो, क्या स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो? देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी हम लगातार एक पॉजिटिव बायस के साथ काम कर रहे हैं, और एक लार्सन एंड टूब्रो जो पिछले हम 3-4 दिन से रिकमेंड कर रहे हैं और अभी भी रिकमेंड कर रहे हैं, L&T की तेजी थी और कंटिन्यू होने वाली, क्योंकि देखिए काफी सालों का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और काफी सालों से ये स्टॉक कंसोलिडेशन बोर्ड में था, और अब लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसको 1650-1700 की तरफ लेके जाएगा। तो L&T के अलावा कुछ सिलेक्टिव प्राइवेट बैंक और सीमेंट काउंटर पे हमारा पूरा फोकस है, जहां पे अब नया मोमेंटम बाजार में देखने को मिलेगा। सिलेक्टिव प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि सरकारी बैंक्स ने बड़ा मोमेंटम दिखाया था, SBI मोमेंटम को लीड कर रहा था, अब सरकारी में दमदम खत्म होने वाला है या अब रिजीम, क्योंकि कंटिन्यू होने वाली नई है जो नई बदलाव जो आना है, उसके बाद स्पीड बोली हो रही थी कि सरकारी बैंक्स में और फर्दर लेग्स होंगे और मोमेंटम होगा, आप लोग उसको इनकैश नहीं कर रहे, उसमें उतर नहीं रहे? जी उसमें उतर रहे, बट PSU बैंक में हम सेलेक्टिव है, स्पेशली हम SBI में है। SBI काफी दिनों के बाद 333 का लेवल निकला है, ब्रेकआउट भी दे दिया, हम लगातार पिछले 7-8 दिन से रिकमेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम 385-390 के टारगेट देख रहे हैं। उसके लिए हम फेडरल बैंक पे फोकस है, बैंक ऑफ बड़ौदा फोकस है, तो PSU में हम खरीदारी का मन है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो शैल सर, खरीदारी का मन है और बहुत सेलिब्रेशन से बहुत रिजॉइस करा सबने 12,000 और 40,000 के आंकड़े को देखने के बाद, और अब माना जा रहा है कि 12,000 के बियॉन्ड भी शायद इस बाजार के फर्दर लेग्स होंगे, तो जल्दबाजी ना करें इस बाजार में। स्टॉक स्पेसिफिक जैसे कि चंदन कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक रिकमेंड कर रहे थे, ऐसे स्टॉक्स पे दाव लगाएं, यहां से और भी तेजी और भी मुनाफा देखने को मिलेगा इस बार। चलिए, अगर ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं जो हम देख रहे हैं, 340 NDA, लगभग 280 BJP, तो एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। राजेंद्र जी के साथ जुड़ते हैं, आप बहुत अच्छे पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं। राजेंद्र जी बताइए हो क्या रहा है? आप देखिए, अभी वीरेंद्र जी बता रहे थे कि वेस्ट बंगाल में